हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाई फाई स्टडी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वृत्त सर्किल के बारे में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले, जिसको सीखने के बाद में आप वृत्त के सारे सवाल को हल कर लेंगे। वृत्त सर्किल के बारे में उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसके केंद्र जो हैं 0.0 एवं त्रिज्या जो दी गई है वो ए है। यहाँ एच कामा के की जगह पर 0.0 रखने हैं आपको, तो जो त्रिज्या है वो ए है। यहाँ देखिएगा, ये इसका मूल बिंदु 0.0 है और ये दी गई है जो त्रिज्या ये ए है, मूल बिंदु इसका ओ है और ये एक सिरा ये वाई सिरा। ठीक है, जब यहाँ पर रखेंगे एच कामा के की जगह 0.0 तो ये एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण याद कीजिए जिसका केंद्र एच कामा के एवं त्रिज्या ए है। तो आप जानते हैं एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, उस वृत्त का समीकरण क्या है जिसमें मूल बिंदु वृत्त पर स्थित हो। तो देखिएगा, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि यहाँ देखिएगा एक त्रिज्या ए दी गई है और एक जो है वो के दी गई है। ठीक है, और जो इसका ये देखिए, ये जो निर्देशांक दिए गए हैं 0.0 दिए गए हैं। तो ये देखिएगा बाद में, ये होल स्क्वायर इसका तोड़ा तो ये आया, ये आया। ठीक है, यहाँ देखिएगा ये एच स्क्वायर से ये एच स्क्वायर ये के स्क्वायर। ठीक है, ये एच स्क्वायर इससे कट जाएगा और ये के स्क्वायर इससे कट जाएगा। ठीक है, ये कट गया, बचा गया एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू वाई के इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा समीकरण ये मानक प्राप्त हुआ, एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई इज इक्वल टू जीरो। और देखिए उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक्स अक्ष पर स्थित है, तो एक्स पर स्थित है। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं एच कमा जीरो। ठीक है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जब के स्थान पर जीरो, क्योंकि एच तो दिया गया है तो के स्थान पर रखेंगे जीरो। ठीक है, तो जब के स्थान पर जीरो रखेंगे तो उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र वाई एच पर स्थित हो, तब ये समीकरण पहले प्राप्त हुआ, अब ये कह रहा वाई एच पर स्थित हो, तो यहाँ पर एच बराबर जीरो रख देंगे तो समीकरण मिल जाएगा आप लोगों को एक स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ एच बराबर जीरो है। उस वृत्त का समीकरण जिसका केंद्र एक्स एच पर और मूल बिंदु पर वृत्त स्थित है। ठीक है, एक सिरा तो इसके मूल बिंदु निर्देशांक दिए गए हैं एच का मान जीरो। ठीक है, ये एक एच ये वाई एच, तो एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो, जहाँ एच बराबर ए रखा जाएगा के बराबर जीरो। ठीक है, उस वृत्त का ऐसे ही आप आगे देख सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं आप लोग। ठीक, ये देखिएगा उस वृत्त का समीकरण जो यक एच को स्पर्श करता है, तो ये देखिए ये यक एच दिया गया। ठीक है, ये यक एच हो गया और ये वाई एच है, ये जो वृत्त दिया गया सर्कल ये यक एच को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, स्पर्श करता है तो के बराबर ए, ये देखिए एच तो वह दिया गया है, के की जगह ए रखा है तो के बराबर ए रख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार ये दिया गया है, ये वाला दिया गया है, ये भी उसी प्रकार से दिया गया है। उस वृत्त का समीकरण जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक ज्ञात हों, तो उसका समीकरण उसके लिए ये फार्मूला एक्स माइनस एक्स वन ब्रैकेट वन दूसरा ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स टू प्लस ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन दूसरा ब्रैकेट वाई माइनस वाई टू इक्वल टू जीरो, उसके लिए वृत्त का प्राचलिक या पैरामितीय समीकरण ये देखिए, एक्स बराबर ए का थीटा वाई बराबर ए साइन थीटा, निर्देशांक ये हो जाएंगे ए का थीटा ए साइन थीटा। वृत्त के व्यापक समीकरण के रूप में तो एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से आपको बहुत सवाल लगाने को मिलेंगे। उस वृत्त का केंद्र भी आपको यहाँ से भी सवाल को लगाने को मिलेंगे माइनस जी का माई एफ, इसको आप याद कर लीजिएगा। त्रिज्या जो होती है इसकी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, यहाँ से भी आपको सवाल अधिकतर लगाने को मिलेंगे। ठीक है, वृत्त की जीवा का समीकरण जब उसकी जीवा का मध्य बिंदु ज्ञात हो, तो उसके लिए वृत्त का समीकरण एक स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यह भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तथा वृत्त जीवा का मध्य बिंदु एक्स वन
कम वाई वन हो तो जीवा का समीकरण एक्स इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन इज इक्वल टू एक्स वन स्क्वायर प्लस वाई वन स्क्वायर होता है, ठीक है। तो इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ये आगे कुछ चैप्टरों में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।